हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिट्स किचन। हियर इज द रेसिपी ऑफ सुरती सेव खमनी। बट उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल बटन ऑन द राइट हैंड साइड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेव खमनी। उसके लिए मैंने चने की दाल ली है, उसको मैंने 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। मैंने अराउंड 1 बिग बोल जितना लिया था। सो अभी इसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करते टाइम हमें ये पानी निकाल देना है। ये मैंने पानी निकाल के एक मिक्सर बॉल में रख दिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चिली और लहसुन और अदरक। उसको मैंने अराउंड 4 से 5 ग्रीन चिली ली है, 5 से 6 क्लोज गार्लिक के लिए है और अदरक के 2 पीसेस लिए है। ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और साथ में मैंने 1 टीस्पून जितना सिट्रिक एसिड, जो गुजराती में लींबूना फूल ऐसे बोलते हैं, वो मैं ले रही हूँ। वो मैं 1 टीस्पून जितना ऐड कर रही हूँ। अभी इसको हम विदाउट वाटर ग्राइंड करेंगे। देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और साइड पे मैंने पानी रख दिया है और एक प्लेट को मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख दिया है। अभी इसको हम तुरंत इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसमें मैं थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड करूंगी और इसको वन साइड हम मिक्स करेंगे और तुरंत हम ये ऑयल के ग्रीस वाली प्लेट में ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अभी इसको ढक के हम 20 मिनट कुक होने देते हैं। देखिए, ये रेडी हो चुका है। अभी इसको हम 15 मिनट ठंडा होने देते हैं, बाद में इसका चूरा बनाएंगे। देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अभी इसका हम चूरा रेडी करेंगे। देखिए, ये चूरा मैंने रेडी कर दिया है। अभी एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, उसमें मैं 1 टीस्पून राई ऐड करूंगी, 1 टीस्पून तिल, 1 टीस्पून करी लीव, 2 ग्रीन चिली एंड हिंग एंड हल्दी 1/2 टीस्पून और मैं अराउंड 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड करूं। अभी इसको थोड़ा बॉईल होने देते हैं। देखिए, ये बॉईल हो चुका है। अभी इसमें हम थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे और जो हमने चूरा करके रखा था वो अभी इसमें हम ऐड कर देंगे। देखिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो चुका है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून जितनी शुगर। ये मैंने ऐड कर दी है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी फाइनली लेमन ज्यूस, तो मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। देखिए, मैंने ऐड कर दिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अभी इसके ऊपर मैं सेव ऐड करूंगी। ये रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।